में मौजूद हूँ और रूम में मौजूद हूँ और यहाँ पर पल पल की अपडेट आपको मिलेगी। हमारे एक नहीं, हमारे चार चार सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। पल पल की अपडेट युद्ध से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये युद्ध किस मुहाने पर खड़ा है, कैसे आगे की तैयारी इजराइल और हमास की है, ये हर अपडेट आज तक पर आपको मिलने वाली है। इजराइल हमास के बीच जारी जंग 11वें दिन पर पहुंच गई है। गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई अड्डे के जवाब में हमास ने राजधानी यरूशलम और तेल अवीव की रॉकेट से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि कल से जारी हमास के रॉकेट हमलों में फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। उधर इजरायल ने हिजबुल्ला के ठिकाने पर हमला किया है और इससे पहले भी हमले होते रहे, क्योंकि हिजबुल्ला भी हमास के साथ सीधे तौर पर इजरायल पर हमला कर रहा है। देखिए, इजराइल युद्ध का आज 11वां दिन, भीषण हमले जो हैं अभी भी जारी हैं दोनों ही तरफ से, और दोनों ही तरफ जो आम लोग हैं उनके लिए हर बीतता दिन कैसे गुजर रहा होगा अंदाजा लगाइए। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं, लेकिन ये हमला जो है वो नाकाम कर दिया गया, क्योंकि इजराइल अब एकदम एक्टिव मोड में है। हिजबुल्ला की तरफ से भी हमला किया जा रहा है और इसीलिए इजराइल भी जो है वो हिजबुल्ला पर पलटवार कर रहा है। लेबनान में घुसकर जो ठिकाने हैं वहां पर चिन्हित करके, चाहे हमास में हो चाहे गाजा पट्टी के, वो पूरे इलाके, क्योंकि उत्तरी इलाका जिसको खाली कराने का अल्टीमेटम भी इजराइल ने दिया था, लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं, युद्ध के 11वें दिन पर प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें 2014 में करीब 50 दिन युद्ध चला, फिर 2023 में 22 में आपको बता दें 11 दिन ये युद्ध चला। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये हो रहा हो, लेकिन युद्ध की स्थिति में एक बार फिर हमास और इजराइल है। जल्दी से आपको मौत के आंकड़े भी, क्योंकि मौत का आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौत 2008 करीब 2800 मौतें हो चुकी हैं गाजा में। वेस्ट बैंक में भी ऐसे ही मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मौत के आंकड़े भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध कितना भयावह हो चला है। और ऐसे में अभी भी सिर्फ सुलह की बात हो रही, लेकिन इजराइल ने ये ठाना है कि जब तक हमास को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, उसका खात्मा नहीं कर देंगे, तब तक किसी भी तरह इजराइल चुप नहीं बैठने वाला है। समुद्र से आसमान तक इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और हिजबुल्ला पर भी इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि हिजबुल्ला हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर रहा है और इसीलिए अब इजराइल उन ठिकानों को चिन्हित करके वहां पर भी बम बरसा रहा है जहां पर हिजबुल्ला के ठिकाने, इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और ये हमले दोनों ही तरफ से चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी देखिए दोनों अपने दमखम को दिखा रहे हैं। इजराइल अपनी तैयारियों को दिखा रहा है वीडियो के जरिए, हमास ये दिखा रहा है कि उसने देखिए किस तरीके से अभी मशीन गन से लगाकर क्या तैयारी की हुई है और वो भी पूरी तरीके से मुझको जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन नुकसान, आम लोगों की मौत, ये दोनों ही तरफ हो रही है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिरकार क्या बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, क्या इसका अंजाम होगा, क्योंकि युद्ध बढ़ता जा रहा है।